हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे सहारा रिफंड पोर्टल जो है उसमें एक नया अपडेट आ गया है। उस अपडेट के बारे में आज हम जानेंगे। तो यहाँ पे अगर हम सहारा पोर्टल खोलते हैं तो यहाँ पे हमारा होम पेज पे ही जमाकर्ता पंजीकरण है। इस पे तो हम अपना फर्स्ट टाइम जो रजिस्टर करते वो होता है। उसके बाद जो रजिस्टर कर लिए है वो यहाँ पर जमाकर्ता लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आधार का 4 डिजिट और अपना आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर हम जैसे ही डालेंगे तो वहाँ आगे का प्रोसेस के लिए ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आधार नंबर और मोबाइल नंबर डाल देते हैं ताकि हम आगे का अपडेट देख सकें। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद हमारा इस तरह का पेज ओपन होगा आगे। उसके बाद अगर हम इसके बाद बात करें तो अगर हमारा पासबुक है तो पासबुक की केस में हमें सदस्यता नंबर कहाँ मिलेगा ये पहले हम जान लेते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर हम देख सकते हैं, सबसे पहले हम सोसाइटी का नाम चूज करेंगे। अगर हमारा पासबुक है तो यहाँ पे सोसाइटी कौन सा है वो हम चूज करेंगे। यहाँ पे सोसाइटी में सबसे ऊपर में यहाँ लिखा हुआ है सहारा क्रेडिट कॉरपोरेशन सोसाइटी लिमिटेड। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये ऑप्शन को चूज ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ आगे हमारा मेम्बरशिप नंबर पूछ रहा है। तो यहाँ मेम्बरशिप हमारा पासबुक का दूसरा पेज पर ऊपर में शो करेगा। यहाँ पे सबसे ऊपर में हमारा अकाउंट नंबर शो हो रहा है, उसके बाद फिर यहाँ पे मेंबरशिप नंबर शो हो रहा है और उसके बाद ऊपर में अकाउंट नंबर, यहाँ पे नीचे में सदस्यता नंबर और सदस्यता संख्या और खाता संख्या, ये दोनों को हमारा यहाँ पे सदस्यता संख्या और खाता संख्या यहाँ से हमें वहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आगे हम बात करें यहाँ पर पासबुक या प्रमाण पत्र संख्या। अगर हमारे पास पासबुक है तो पासबुक यहाँ पे हमें सबसे ऊपर में पासबुक नंबर यहाँ पे शो होगा फर्स्ट पेज के राइट साइड ऊपर में। तो यहाँ पे 2740037916 जो है ये हमारा पासबुक संख्या यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद बात करें हम प्रमाण पत्र संख्या, ये हो गया खाता खोलने की तारीख। तारीख की बात करें तो हमारा सेकेंड पेज पर राइट साइड ऊपर में यहाँ पर खाता खुलने की तिथि और डेट ऑफ मैच्योरिटी दोनों लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पे खाता खुलने की तिथि का बात है तो यहाँ पे सिर्फ ये है हमारा। उसके आगे हमारा ये हो गया। उसके बाद जितने हमने पेमेंट किए हैं, हमारा लास्ट रिसिप्ट जो होगा बुक में जो हम पैसा जमा कर देते हैं उसका लास्ट रिसिप्ट जो हम जमा किए होंगे उस पर यहाँ पर सफ़ा देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं बीच वाले डॉक्यूमेंट रेफरेंस के नीचे 8000 रुपये यहाँ हमारा जमा है। 500 रुपया जब आखिरी बार जमा हुआ तो उसमें हमारा टोटल 8000 अमाउंट हुआ। उसी अमाउंट को हमें पासबुक के अंतिम पेज में अपडेट करा लें। ऐसे यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पासबुक में अंतिम में 8000 रुपया टोटल अपडेट है। ये अपडेट करना ज़रूरी है क्योंकि अब यहाँ पे जो हम अपलोड करेंगे फाइल तो इस फाइल में साफ तौर पर यहाँ लिखा हुआ है फॉर पासबुक प्लीज़ अपलोड फर्स्ट पेज एंड लास्ट पेज अपडेटेड पेज को अपलोड करना है। फॉर पासबुक प्लीज़ अपलोड फर्स्ट पेज एंड लास्ट अपडेटेड पेज। यहाँ पे अपडेटेड पेज मतलब बोल रहा है कि जिस भी तारीख को यहाँ पे देख सकते हैं अंतिम वाला जिस भी तारीख को हम रिसीव जमा किए हैं वहाँ यहाँ पे जो हमारा तारीख है रिसीव नंबर है वही हमारा इस पेज का लास्ट पेज में अंकित होना चाहिए रिसीव नंबर और जमा और टोटल योग के साथ। ये जमा होना चाहिए पासबुक के क्राइटेरिया में। और पासबुक अगर हम अपलोड कर रहे हैं तो उसमें कैसे डॉक्यूमेंट हम डालेंगे उसके लिए सबसे पहले हमें पीडीएफ बना लेना है। पीडीएफ में हमें सबसे पहले पासबुक का फ्रंट पेज डालना है, सबसे पहला पेज जिसमें नाम वगैरह लिखा हुआ है। उसके बाद आगे पेज पलटेंगे जिसमें हमारा अकाउंट नंबर वगैरह सारा कुछ लिखा रहता है। उसके बाद एक पेज डालेंगे जो जमा है। जमा के केस में हमें यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है कि पासबुक के पेज में फर्स्ट पेज का मतलब जिसमें हमारा नाम वगैरह हो ये, उसके बाद फिर लास्ट पेज की ये थी मैं जिसमें हमारा ये पैसा जमा है ये देना अनिवार्य है। और साथ में एक रिसीट भी डाल सकते हैं अगर आपको डालने का मन है तो। इस चारों का पीडीएफ बना के शॉर्ट में करके इसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड भी कैसे करना है ये हम देखेंगे आगे की वीडियो में, उससे पहले हम ये सारा डिटेल फिल कर देते हैं। सारा डिटेल हमें ऊपर में फिल करने के बाद चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे भी हमारा वो ऑप्शन रखा हुआ है जहाँ पे भी हम डाटा को कलेक्ट करके रखे हुए हैं उस जगह पर
जगह पे जाएंगे और यहाँ पे कस्टम फाइल जो लिखा आ रहा है ओपन के ऊपर में, यहाँ पे ऑल फाइल को जैसे हम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे हमारा ऑल फाइल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमें चूज कर लेना है कौन सा फाइल है। जैसे हमें यहाँ 225 केबी का डाल रहा है पीडीएफ, जिसमें कि सारा डिटेल दिया हुआ है। तो उसके पहले हम 466 केबी का हमारा उसको करके यहाँ पर हम ओपन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ओपन हो जाएगा। वो यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे सारा डिटेल इसमें हमारा सारा कुछ है। उसके बाद हमें यहाँ पे दावा जोड़े पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब हम दावा जोड़े पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा घूमेगा, उसके बाद आगे देखते हैं हम अपलोड अभी होता है या नहीं, सर्वर कैसा है। हमारा जो यहाँ पीडीएफ 200 केबी से ज़्यादा का है, यहाँ पे हमें 4 फ़ोटो अपलोड करना है पीडीएफ में, और वहाँ पे हमारा बहुत ही कम जगह दिया है, बहुत ही कम केबी बताया गया है। केवल फाइल साइज हमारा 200 केबी से कम होना चाहिए। सबसे पहले हम अपने फाइल को 200 केबी से कम करते हैं, उसके बाद अपलोड करेंगे। यहाँ पर अभी जो हमारा अपना फाइल साइज है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं 138 केबी का कर दिए हैं। अभी ये देखते हैं अपलोड होता है या नहीं। अभी हम इसको अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पर अभी ये अपलोड ले चुका है। उसके बाद दावा जोड़े पर हम क्लिक करेंगे, देखते हैं हमारा ये दावा जुड़ता है या नहीं। अभी हम दावा जोड़े पे क्लिक किए हैं और यहाँ पे हमारा भी ब्लैंक हो गया है और दूसरा जोड़ने का ऑप्शन दे दिया है। और नीचे यहाँ पे हमारा जो भी सोसाइटी का नाम है, सदस्यता संख्या, खाता संख्या और रसीद संख्या ऊपर हमें देखने को नहीं मिला था, तो हमें लगता है अभी कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे रसीद संख्या भी आता है ऑप्शन डालने का, वो नहीं आ रहा है। ये हमारा कुछ अभी फॉल्ट चल रहा है। और यहाँ सारा कुछ तो आ चुका है लेकिन यहाँ रसीद संख्या जो है वो यहाँ पे नहीं आया है, ना ही ऊपर हमें फिल करने को भी दिया गया था। तो अभी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो हम कुछ देर बाद फिर यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो अभी जो नेक्स्ट अपडेट यही था कि अगर हम पासबुक डाल रहे हैं तो उस केस में हमें फर्स्ट पेज और लास्ट पेज अपडेटेड पेज को हमें डालना ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स।